राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों में जमकर मनमुटाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच शांति देखी जा रही है। बहरहाल राजस्थान में विधानसभा चुनावों में कुछ दिन बाकी है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है ताकि सत्ता पर आ सके और कांग्रेस पूरी ताकत की राजस्थान का रिवाज बदल कर सरकार बना सके। किसको कामयाबी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप भी फिट इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान में 18 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में दो खेमे हो गए थे। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत झेलनी पड़ी। एक बार तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ महीने पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों की सुलह करवा दी। इस मुलाकात के बाद वेणुगोपाल ने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी बयानबाजी सुनने को देखने को नहीं मिली थी, जिससे माना जा रहा था कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आपसी किले सिकवे भुलाकर पार्टी के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतर गए हैं। बाहरी तौर पर भले ही दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अभी भी दोनों नेताओं के गुट अंदर खाने सक्रिय है, लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। उधर चुनाव से पहले राज्य में होने वाले तमाम सर्वे और उनके परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लिए भले ही गहलोत पायलट एक साथ आकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हों, लेकिन पार्टी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। चुनौतियां बहुत सारी होने वाली हैं। पहली चुनौती, गहलोत सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें सीएम गहलोत का हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ये वो मुद्दा है जिससे कांग्रेस परेशान है। पीएम मोदी भी चित्तौड़गढ़ की जनसभा में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर चुके हैं। गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी तीज त्यौहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं होता। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर इस बार हिंदू तीर्थस्थलों, धार्मिक पर्यटन स्थलों, मंदिरों में जमकर काम करवाया है और कई योजनाएं भी चलाई हैं। खुद सीएम गहलोत पिछले दिनों कई धार्मिक स्थलों के दौरे करते हुए नजर आए हैं। दूसरी चुनौती, लाल डायरी से परेशान है कांग्रेस और अशोक गहलोत। विधानसभा चुनाव में लाल डायरी चर्चा में है। कुछ महीने पहले राजस्थान सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने अपनी सरकार को महिलाओं पर अत्याचार रोकने में विफल बता दिया था। इसके बाद गुड़ा ने विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उछाल दिया। चुनावी साल में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। गुड़ा का दावा है कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी फहरिस्त लिखी हुई है। उनका आरोप है कि संकट के वक्त कांग्रेस ने जितने भी विधायकों को खरीदा था उसका पूरा लेखा जोखा इस डायरी में लिखा हुआ है। इन आरोपों के बाद गहलोत सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद पीएम मोदी और भाजपा लगातार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत राजस्थान का रिवाज है कि यहाँ 25-30 सालों से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ आकर चुनौतियों का सामना करते हुए क्या राजस्थान जीत पाते हैं, क्योंकि बीजेपी डटकर मैदान में खड़ी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।